हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड नजीला सीतैसी के बारे में। तो नजीला इनडायरेक्टली मन्नारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी के बीच के बॉन्डिंग के ऊपर रिएक्ट किया है। अगर आप बिग बॉस 17 देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मन्नारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी के बीच में शुरू से ही एक बॉन्डिंग बन गई थी। और कभी कभी अगर इनके बीच में कोई फाइट वगैरह भी होता था या कोई नाराज हो जाता था तो बिग बॉस भी इन दोनों को साथ में कन्फेशन रूम में बुलाते थे और वहीं से कहीं ना कहीं इनके बीच का जो भी खटास होता था वो खत्म हो जा रहा था। सो इस तरीके से इनके बीच की बॉन्डिंग बिग बॉस 17 घर के अंदर चल रहा है, जो कि एक टाइप से एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग दिखती है। बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इन दोनों को नाम को एक साथ में जोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बिग बॉस 17 घर के अंदर के कंटेस्टेंट भी। और अभी दो दिन पहले वीकेंड के वार पे जब एमसी स्टैंड आए थे तो वहां पे तो एक कमाल का ही चीज हो गया। इसके लिए एक टास्क के दौरान मन्नारा चोपड़ा को चार बंदों में से तीन को रिजेक्ट करके एक को सिलेक्ट करना था, जिसमें देखा गया कि मन्नारा चोपड़ा मुनव्वर फारूकी को सिलेक्ट करके उनको रोज दी। अब जैसे वो रोज देने लगी तो आसपास में जितने भी कंटेस्टेंट वगैरह थे सभी भाभी भाभी ऐसा चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से देखा गया कि बाद में मन्नारा चोपड़ा थोड़ा सा नर्वस दिखी। हालांकि मुनव्वर फारूकी सभी लोगों को अपने बाहर के रिलेशनशिप या अपने बच्चे के बारे में बता चुकी है, इवन मन्नारा चोपड़ा को भी बता चुके हैं। बट कहीं ना कहीं सब लोग जब भाभी भाभी चिल्लाने लगे तो इसके वजह से थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लगा। शायद इसी चीज पे इनडायरेक्टली मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड नजीला भी रिएक्ट की है। बेसिकली वो एक स्टोरी पोस्ट करके लिखी है कि एक बात जो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा ऑनलाइन दिखता है, कोई भी वैसा प्योर और सही नहीं होता जैसा कि वो दिखावा करता है, बल्कि सच्चाई जानकर आप हैरान हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने आइडल से कभी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से केस में आप उन्हें जैसे देखते हैं वो असल में उससे बहुत अलग होते हैं। तो टीवी या ऑनलाइन कुछ भी देखकर बेवकूफ मत बनिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर अननेसेसरी मिलने वाले हेट के ऊपर रिएक्ट किए हैं। इसके लिए अभी जस्ट 5 या 6 दिन पहले उन्होंने दिवाली के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट किया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हेट वगैरह मिला था। अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसी टाइप के हेट पे रिएक्ट करते हुए जिया शंकर लिखी कि मैं किसी की पंचिंग बैग नहीं हूं। अगर आप किसी जोक को जोक की तरह नहीं ले सकते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी रैंडम आदमी का ट्वीट देखती हूं तो उसमें देखती हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती है। अगर मैं किसी रैंडम आदमी का ट्वीट देखती हूं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती है। बट अगर ऐसा ही कुछ एक सेलिब्रिटी कर देता है तो उसको बहुत ज्यादा लोग हेट देने लगते हैं, उसके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रेडी बैठे होते हैं। डिलीट कर दो, कैंसिल कर दो, बैन कर दो। इमेजिन करो कि लिटरली आपको एक स्टूपिड रीजन के वजह से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। इनफ इज इनफ। अगर मैं जानती हूँ कि मेरा इंटेंशन सही था और इस प्लेनेट के ऊपर किसी भी इंसान को हर्ट करने का नहीं था, मेरे ऊपर भी भगवान नजर रख रहे हैं। आपको जो भी करना है वो करें, बट एक बार अपने आप को आईने में जरूर देखें और ये पूछे कि ऐसे किसी के प्रति अननेसेसरी हेट देने से आपको क्या फायदा होने वाला है। अब इससे जितना मुझे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि जिया शंकर का इंटेंशन ये होगा कि वो ये दिखाना चाह रही होंगी कि देखो 6 दिन पहले भी मुंबई और दिल्ली का कंडीशन ये था, तभी भी पोल्यूशन था। अब इस चीज के लिए कोई दिवाली को ब्लेम मत करना कि दिवाली की वजह से दिल्ली और मुंबई में पोल्यूशन बढ़ गया है। बाकी इस चीज पे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो जिस तरीके से UK07 रेडर का बिग बॉस घर के अंदर या बाहर मजाक बन रहा है, उस पर फुकरा इंसान फिर से एक सलाह दिए हैं। वो क्या बोले हैं आप लोग देखो। पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे को ही वो ऑरा क्रिएट करना भाई जिसके आगे कोई बोल ना सके। इंसान तुम्हारे को फालतू बोलने से पहले भी 2 बार सोचे कि नहीं भाई इससे पंगे नहीं लेने, भाई ये सही बंदा है, इससे तो मतलब ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई के आगे तो कोई भी आगे ऐसे टपली मार के चल जाता है, ए, चल आगे बढ़, वो गलत है भाई। अल्सो UK07 राइडर के बारे में बात करें तो उनके जिस वीडियो का हम लोगों को इंतजार था, फाइनली वो वीडियो अनुराग डोभाल के भाई कलामिंग डाल तो दिए हैं। जैसे ही ये वीडियो आया है उसके पहले के सभी वीडियो गायब हो चुके हैं। अगर आप UK07 राइडर का चैनल चेक करते हो तो उसमें आपको बस एक वीडियो देखने को मिलेगा। पिछले सभी वीडियो या या तो प्राइवेट कर दिए गए हैं या अनलिस्टेड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई डिलीट तो नहीं कर सकता। अब जो वीडियो इनके चैनल के ऊपर आया है उसके थ्रू इनको जो मैसेज देना था वो कुछ ये था। जो जोकर का काम होता है ना गाइस, खुशियां बांटना, और उसको हम इसलिए जोकर बोलते हैं। तो हाँ, हम सब जोकर हैं। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा टू सोशल मीडिया, आई नो शायद इस पे मुझे हेट आएगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेटिंग समवन एंड ट्रोलिंग। ट्रोलिंग एक टाइम के बाद ना टॉक्सिक हो जाती है, नॉट ओनली फॉर माय ब्रदर, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सिर्फ मेरे भाई के लिए या किसी के लिए भी। एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ जो इस पृथ्वी में रहना है ना, उसको आई थिंक हक है यार खुश रहने का। एंड जब उसने कुछ गलत भी नहीं करा है ना, सिर्फ कुछ चीजों के लिए इतना मत गिराओ कि शायद वो अपने आप को खो बैठे। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी इमोशनल, मैं कोई इमोशनल कह के ये नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद भी शायद मेरे को ये बोला जाएगा सिंपथी कार्ड खेल रहा है, ये खेल रहा है। बट नहीं, मैं अपने भाई के लिए ये चीज नहीं बोलने वाला हूँ। फ्यूचर में शायद इतने लोगों का ये साथ हो सकता है जो मेरे भाई के साथ हुआ था, जस्ट बिकॉज शायद उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने अपने से बड़ों का इज्जत करके शायद उन्हें वापस जवाब नहीं दिया। वो जैसा रियल लाइफ में शायद वो वैसे ही शो के अंदर था, इसलिए उसे जोकर बोला गया। तो मेरे को नहीं पता शायद उसके जैसे कितने लोग होंगे जो ये सब डेली बेसिस पे सहते होंगे। शायद मेरे भाई पे ये चीज आई तो मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि हाँ यार, इस दुनिया में ना ज्यादा सीधा होना भी शायद ठीक नहीं है। बट कोई नहीं, ऊपर वाले का हाथ
बना रहेगा उसके ऊपर एंड प्रो सेना का प्यार तो है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मिचेल मार्श के बारे में। इंडिया के खिलाफ 2023 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिचेल मार्श का वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कुछ ऐसा एक पोज वाला फोटो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि वो ट्रॉफी के ऊपर अपना पैर रख के ऐसे पोज मार के पिक डाले हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, स्पेशली इंडियंस को। सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसे नहीं होता है कि किसी ऐसे चीज पे हम पैर रख देते हैं। हमारे नजरिए से ये चीज बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत ज्यादा बेकार है, इसी वजह से मिचेल मार्श को बहुत ज्यादा हेट वगैरह मिल रहा है। बट जहां एक तरफ से मिचेल मार्श को हेट मिल रहा है, वहीं दूसरे तरफ से कुछ लोगों को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। जैसे कि इस चीज पे लक्ष्य चौधरी भी रिएक्ट किए, वो लिखे कि लोल, इस पिक्चर से लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोग इस चीज को जीते हैं, वो चाहे तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इस सेलिब्रेशन करने का उनका अपना तरीका है और मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिक्चर बहुत ज्यादा कूल है। सेम लाइक एमिलियानो मार्टिनेज, जिनका फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद गोल्डन ग्लोब के साथ कुछ इस तरीके का पोज में फोटो है, उनके लिए आईपीएल के ट्रॉफी के बराबर औकात है इसकी, अपने काम पे ध्यान दो, हो गया वर्ल्ड कप। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइंग बिस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बिस्ट को अभी भी उम्मीद नहीं हो रहा है कि इतना डिजर्विंग टीम कैसे ये हार सकता है, इस बात से वो अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। यस, आप खुद देखो स्टोरी। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, बट यार नहीं हो पा रहा मैं रिकवर यार, कल के मैच की हार के बाद अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये बहुत ही डिजर्विंग टीम थी। दिस टीम डिजर्व वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा डिजर्व्ड अ वर्ल्ड कप यार। ये जो लेगेसी है इन प्लेयर्स की, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। पता नहीं भगवान ने क्यों छीन लिया वर्ल्ड कप हमसे यार। आई एम श्योर दे वर्क्ड वेरी हार्ड यार, दे डिजर्व द वर्ल्ड कप एंड अभी तक आई हैव नॉट डाइजेस्टेड द फैक्ट कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो अभी उनके नाम से एक स्कैम चल रहा है, क्या है आप खुद देखो। भाई एक नया स्कैम आया मार्केट में, इसने ध्यान से सुनना। देखो सिस्टम क्लोथिंग, तुम गूगल पे सर्च मारोगे ना तो सबसे ऊपर जो आती है ना फेक है भाई, दिस इज फर्जी साइट अपनी है ये सिस्टम क्लोथिंग, system.com, इसके अलावा system.shop ये नहीं है भाई अपनी ये है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम इनने कॉपी मार रखी है, स्कैम है भाई, इस पर अपने पैसे पूछे मत रटवा देना का, तो फिर मेरे तक आओ। यो है अपनी यो वाली, ठीक है, दूसरी वाली सिस्टम क्लोथिंग, सिस्टम शॉप नहीं, मैं हाईलाइट में भी डाल रहा हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आमिर माजिद और आयरा के बारे में। तो अभी इनके साथ एक प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से ना ही इनके व्लॉग्स आ रहे हैं ना ही इनके रील्स आ रहे हैं। यस, आप खुद देखो। सो व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, ना ही इंस्टाग्राम पे रील वगैरह आ रही है, सारे कमेंट्स करके बोल रहे हैं। सो आयरा के अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण फर्दर की राइट्स वगैरह जो है मैंने सारी कैंसिल कर दी है, बिकॉज इस टाइम पे उसको सबसे ज्यादा नीड है भाई मेरी। एंड अभी देखते हैं, अभी घर के लिए जाना है और आज वाले वीडियो में आपको प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें आज वाले वीडियो में आपको पता लगने वाली हैं कि आखिर इतने टाइम से चल क्या रहा है, किसी की इतनी मेहनत, सारी चीज़ें ना, और अपने साथ ही काफ़ी टाइम से हो रहा है ऐसा। तो बाकी कुछ टाइम तक मे बी एक्टिव ना रहूँ या फिर आज वाले वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमान लेजेंड के बारे में। तो आज उनको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर देखने को मिला, वो क्या है आप देखो। ये देखो जगत का सूरज जहरीला पाखंड दोस्तों, अगर ये तुमको काटे ना तो 7 तास तक तुम हंसते रहते हो, बहुत डेंजर है। और ये मेरे एक दोस्त को काटा था, वो आज तक हंसता है और उसका नाक भी चपटा हो गया, और दूसरे दोस्त को काटा वो काला हो गया, और तीसरे दोस्त को काटा वो मोटा हो गया, और चौथे दोस्त को काटा ना वो बाठिया हो गया, डेंजर पाखंड। ओके, तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।